केरल में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 152 लोगों की मौत हो गई है, जिसके साथ ही प्रदेश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18,400 हो गई है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पिछले एक दिन में महामारी के 21,119 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 35,86,693 हो गई है। प्रदेश में संक्रमण दर 16% के करीब पहुंच गई है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में सोमवार से अब तक 18,493 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 33,96,184 हो गई है। बयान में कहा गया है कि प्रदेश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,71,985 हो गई है। इसके अनुसार प्रदेश के कुछ प्रभावित जिलों में मालापुरम में 3,603, अर्नाकुलम में 2,539, कोझिकोड में 2,335, त्रिशूर में 2,231, पालक्कड़ में 1,841, कोल्लम में 1,637, कोट्टायम में 1,245, आलापुजा में 1,230, कुन्नूर में 1,091 एवं तिरुअनंतपुरम में कोरोना वायरस के 1,040 नए मामले आए हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में बीते 7 दिनों में सामने आए कोविड-19 के कुल मामलों में ये आधे से ज्यादा केरल में मिले हैं। महामारी पर एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक अधिकारी ने कहा है कि बीते 2 हफ्तों में देश के 9 राज्यों के 37 जिलों में कोविड-19 के दैनिक नए मामलों की संख्या बढ़ रही है। इनमें केरल के 11 जिले और तमिलनाडु के 7 जिले भी शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि देश भर में 11 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के 44 जिलों में साप्ताहिक संक्रमण 10% से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि भारत में बीते 7 दिनों के में सामने आए कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों में से 51.51% केरल में दर्ज किए गए हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार को बताने वाले प्रजनन संख्या R1 से ज्यादा है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।